ये है कुमार। कुमार एक स्टूडेंट है। सभी विद्यार्थियों की तरह कुमार में भी पढ़ने की, कुछ कर दिखाने की इच्छा है। आज कुमार के एग्जाम्स का रिजल्ट है। अरे कुमार, कहाँ जा रहा? कॉलेज जा रहा भाई। आज रिजल्ट है ना तेरा? हाँ भाई, जरा दुआ करिए। टेंशन मत ले, पास हो जाता। भाई आपके मुंह में ये शक्कर भाया है, आपकी दुआ है तो बस है। अगर से रिजल्ट के बाद जॉब वॉब चाहिए तो बोल मुझे। हाँ हाँ मैं पक्का आपको फोन करता हूँ। चल राइट, दुआ करिए। बेस्ट है। रिजल्ट की साइट result.gov.in। फिर से एक बार चेक करो। अरे शिट, मैं तो फेल हो गया यार। शिट यार, अरे यार शिट। घर में सब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। सुबह से चार कॉल आ गए। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कुमार उतर। ये क्या करने निकला था तू? पागल है क्या साले? अजीज भाई मैं फेल हो गया। अजीज भाई, अजीज भाई मुझे जीना नहीं है, मैं फेल हो गया। अजीज भाई कुमार रुक, कुमार कुमार होश में आ। मेरे एक साल की मेहनत खराब हो गई अजीज भाई। एक साल की मेहनत कुमार, तेरे इस एक फैसले से तेरे माँ बाप की उम्र भर की मेहनत पूरी जाया हो जाती थी। ऐसा कायर मत बन मेरे दोस्त, ये जिंदगी जो है ना नसीबवानों को मिलती है। मेरे माँ बाप का दिल टूट जाएगा अजीज भाई। कुमार वो तेरे माँ बाप है, एक दिन नाराज रहेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो तेरे माँ बाप जिंदगी भर दर बदर फटकते फिरेंगे। तुझे इस बात का एहसास है कुमार? मुझे जीने का कोई हक नहीं है अजीज भाई। मेरा करियर खत्म हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। आई एम अ फेलियर अजीज भाई। अब ना मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना ढंग की जॉब। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये लोग भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेल हुए। अगर ये लोग भी तेरी तरह अगर छलांग लगाने निकल पड़ते तो इस दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती मेरे दोस्त। कुमार, ऊपर वाला किसी को देख के आजमाता है तो किसी से छीन के आजमाता है। वक्त से पहले और औकात से ज्यादा किसी को नहीं मिलता कुमार, ये बात याद रख ले। और तू ये छोटी सी बात पे मरने चला था। सही कहा अजीज भाई आपने। कुमार, सप्लीमेंट्री में दिल लगा के मेहनत कर और सबको पास होके दिखा। अगर इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो गया तो मिलिट्री ज्वाइन कर ले। मिलिट्री क्यों? अगर मरने का इतना ही शौक है तो बॉर्डर पे जाके मर, देश का नाम रोशन करेगा। ये हुई ना बात, ले।
चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों में हिंदुस्तान का स्थान पहले है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है जिनकी उम्र 15 से 29 साल है। ये लोग किसी न किसी के दबाव में या किसी के डर से ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब दर्शकों से ये निवेदन है कि माँ बाप अपने बच्चों पर और अध्यापक अपने विद्यार्थियों पर दबाव ना डालें, बल्कि उन्हें प्यार से समझाएं और अच्छी राह पर ले जाएं, क्योंकि हम नौजवान ही हिंदुस्तान का भविष्य है। जय हिंद।